क्वेश्चन नंबर वन जो इफ कंडीशन का टेस्ट है उसमें एक क्वेश्चन है कि यहां पे अगर ग्रेटर देन 60 हो तो हमें क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई करना है, और जाहिर सी बात इसको आपने इफ से सिंपली निकाला हुआ है क्योंकि सिंपल है। लेकिन इसको एक इंटरव्यू में एक कंपनी गुड़गांव की थी, मुझे 2008 में इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल किया था, भैया तुम इफ से तो इसको बना लोगे लेकिन विदाउट इफ कैसे कर सकते हो। मान लीजिए क्योंकि उस समय सिम्फनी वगैरह चलता था एक्सेल, और एक्सेल व्यूअर भी थे, तो बोलते कि मेरे एक्सेल में इफ सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है तो विदाउट इफ कैसे करोगे। तो मैंने इसको किया था और करने के लिए भी खास ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी। हम यहाँ पे बताया था कि हम लॉजिकल ऑपरेटर को डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे बी टू इज ग्रेटर दैन 60 करके एंटर किया तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू एंड फॉल्स। और हमने आपको बताया था कि एक्सेल में ट्रू इज अ 1 एंड फॉल्स इज अ 0, राइट। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि मैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करूं तो 29 मल्टीप्लाई बाई फॉल्स मतलब कि 29 मल्टीप्लाई बाई 0, अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, जहां जहां फॉल्स है वहां वहां 0, और जहां जहां ट्रू है वहां वहां हमें इसकी क्वांटिटी मिल गई। अब क्वांटिटी हमारे पास आ गई तो मैं मल्टीप्लाई बाई 40 कर दूंगा तो 0 वाला तो 0 ही रहेगा ना, जो हमारे नंबर्स जो ग्रेटर देन 60 है वही हमारे पास रिजल्ट शो किया ना सर। आप तीनों को समझ में आया कंसेप्ट, एक ही सेल में कैसे करेंगे सर? एक ही सेल में एक ही बार कर देंगे, क्या दिक्कत है, हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लेंगे और ग्रेटर देन 60 करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई ए नंबर एंड देन मल्टीप्लाई बाई 40, सिंपल। समझ गए? Yes. बाकी क्वेश्चंस तो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया ही है, जहां गलती थी वहां हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, राइट right? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में मैं ये बताया था आपको, यहाँ पे हम एंड लगाएंगे पहले और एंड में इसको बोलेंगे कि दैट इज इक्वल टू वाई, और फिर यहाँ पे और देंगे और भी इसको सिलेक्ट करके बोलेंगे कि दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, इसको सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू वाई कॉमा, इसको सिलेक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू वाई, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा क्योंकि इसमें पैन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा तीनों में से कोई एक चाहिए, तो पैन नंबर को हमने कर दिया वाई में, इसके अलावा तीनों में से किसी एक को मैंने और के अंदर में डाल दिया ताकि तीनों में से कोई एक ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कुछ लोगों से हुआ कुछ लोगों से नहीं हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपने 8 किया है ना बिल्कुल 10 उसी तरह है, बट यहाँ पे क्या है कि आपने 700 लिखा और देखिए 700 का आप लोगों ने किसने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो नंबर कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखाता है, ध्यान रखिएगा, राइट। अगर नंबर इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो सम फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, देखिए अगर मैं इस पे सम का फॉर्मूला लगाऊंगा सबको सम करने के लिए गेट द रिजल्ट 0, क्यों, क्योंकि सारे इन्वर्टर को हमने डाल दिए जिस कारण से ये क्या हो गया टेक्स्ट हो गया, राइट सर। तो इफ कंडीशन ही नहीं किसी भी फॉर्मूले के अगर आप आपको खुद से नंबर एंट्री करना है जैसे कि यहाँ पे आपने 700 एंट्री किया है तो कभी भी इन्वर्टेड कोमा में नहीं डालना है, ठीक है महेंद्र जी, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए सेम है, जैसे मैंने कंडीशन लगाया कि इफ लेस देन इक्वल टू 40, या अगर 40 से नीचे है तो
जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, मतलब कि 19 को मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, राइट सर? 20 होगा ना सर? सर सर माफ 20। कीजिए, हाँ 20 होगा, माफ कीजिएगा 20 कर दिए। फिर अगेन हमने इफ लगाया, इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 80 है, अगर 80 वाले पे आ रहा है तो 20 कंप्लीट करके आएगा ना सर, इसका मतलब है उसको 20 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई 20 तो पहले दे देना है। फिर इसमें से 40 जो हमने दे दिया है ना उसको माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाय अगेन 60 कर देना। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने 45 सेल किया तो 40 तो पहले दे देंगे हम, क्योंकि 45 सेल किया 40 की स्लैब तो कंप्लीट कर लिया। फिर 40 से 80 के, 41 से 80 की जो स्लैब है उसमें कितना किया है वो निकालेंगे हम माइनस करके, ठीक है सर? इसमें एक चीज और कर सकते हैं ना, हाँ? कि जो 0 से 40, 40 से 80, 41 से 80 और 80 से 41, इसकी क्वांटिटी हाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, फिक्स हो जाती है, तो वो वैल्यू इसके अंदर डाल करके करके भी क्लोज कर सकते हैं ना, इतना हाँ, बड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 800 कर सकते हैं आप, नहीं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, जैसे कि आप 800 दिया वो नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि माइनस करना है ना हमें। नहीं सर आप मेरी बात समझे नहीं। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हम तो 100 से नीचे वाली जो रीडिंग आएगी मेरी वो फिक्स रहेगी, मतलब वो तो 100 से प्लस वाले के अंदर जुड़ेगी जुड़ेगी, और जो 100 से ऊपर आएगी वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगी, ठीक है? पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जब मैं 81 से 100 में जाऊंगा तो 80 से 40 के बीच में जो मेरी क्वांटिटी आएगी वो मेरी परमानेंट इसके अंदर जुड़ी रहेगी। हाँ वैसा तो कर सकते हैं, लेकिन वैसा करने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये दे आर नॉट परमानेंट, मे बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो आपको हर बार आपका फॉर्मूला अपडेट चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, दोबारा से लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे कंसेप्ट में क्या होगा कि कल के डेट में 20 नहीं 25 हो गया, तो वी जस्ट चेंज हियर, बात समझे? तो फॉर्मूला लगाते सभी हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को भी देखना चाहिए ना सर? नहीं ठीक है सर, मैंने करा हुआ था, एक मिनट बस। हाँ मैं आपकी देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो तरीका ही बेस्ट है, मैं कई सारे फ्यूचर्स के चीज़ों को लेके देखता हूँ। आपने जो तरीका बोला, आपने जो तरीका बोला कि कैलकुलेट करके डायरेक्ट डाल देंगे, तो आपको क्या हुआ कि कल के डेट में अगर स्लैब चेंज होता है, मतलब स्लैब सेम रहता है, अगर आपके जो चार्जेस चेंज होते हैं तो आपको अगेन सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सर? सही बात है। बट यहाँ पे तो जैसे जहाँ जहाँ 20 है वहाँ वहाँ चेंज कर देंगे क्या? और इंसेंटिव स्लैब्स तो चेंज होते रहते हैं ना कंपनीज में, इसलिए मैंने वो चीज को अवॉइड किया, यहाँ पे डायरेक्ट डाला, राइट? अब यहाँ पे इफ हमने लगाया, इसको सिलेक्ट किया और लेस देन इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे करता हूँ 100 हुआ हुआ था कि दो स्लैब पार किया, पहला 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस दूसरा अगेन 40 मल्टीप्लाई बाई 60, और तीसरा स्लैब जो है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे पहले 80 को, क्योंकि 80 दे चुके हैं ना, 40 है प्लस 40 80 दे चुके हैं, और जो बचेगा दैट इज मल्टीप्लाई बाई 80, क्योंकि यहाँ पे 80 है। फिर हम लास्ट कंडीशन करेंगे कि दैट इज ग्रेटर देन 100, तो अगेन 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस, और फिर हम ब्रैकेट में लेंगे इसमें से माइनस करेंगे 100 को, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं 100 इज 100। ये रिजल्ट जो है हमारा आपके सामने जो आया वो आएगा। अब इसको आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, इसमें 100 वाला कंडीशन शायद दो बार हो गया है, फर्स्ट वाला भी 100 है 80। अच्छा ले, अच्छा ये दो बार हो गया ना? नहीं नहीं एक ही बार तो है,
लेस देन 100 है ना यहाँ पे, लेस देन 100 है, ग्रेटर देन 100 है। ठीक है ठीक है ठीक है ना, ये 80-20 वाला है और ये 20 से ऊपर वाला है, ये 100 से ऊपर वाला है। तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, आपका बिजली बिल का कैलकुलेशन इसी इसी मेथड पे होता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, आगे चल के इसको सिंपलाइज करना भी सिखाऊंगा सर, ठीक है। अब 11वां नंबर क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था वो अब एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि हाँ आप में से जो है इसको बना सकते हैं। महेंद्र जी आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी आपके लिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी सुनिए कि करना क्या है। तो इसकी स्टोरी ये है कि एक कंपनी है जो कि फ्लैट बनाती है और बेचती है, तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग उसको जो बुकिंग लेना है लेस देन 5 फ्लोर तक ही बुकिंग लेना है, राइट सर। वो फाइव फ्लोर से ऊपर की बुकिंग नहीं ले सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, बुकिंग अमाउंट जो होगा वो 10% ऑफ द एमआरपी होगा, राइट सर। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपको 10% बुकिंग अमाउंट लेनी है फ्लैट की प्राइस का, एमआरपी का, या प्राइस जो भी कहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि सर मेरे पास अभी से मान लीजिए 2.5 लाख रुपया होना चाहिए था, तो एक बंदा 1.5 लाख लेके आया, बोला कि मेरे पास फिलहाल 1.5 लाख है, बट कुछ दिनों में मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा, तो आप मेरी फ्लैट को बुक कर लीजिए। तो बिल्डर पोलाइट है, बोलता है ठीक है आपको मैं 20 महीने का टाइम देता हूँ, ठीक है 20 महीने के अंदर आप अपनी बुकिंग अमाउंट जमा कर दीजिए। अगर 20 महीने के अंदर बुकिंग अमाउंट आप जमा नहीं करते हैं तो आपको जब जमा करने आएंगे पैसा तो आपको जो है 17% रिकवरी के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना पैसा रह चुका है, समझ गए। जैसे इसी केस में देखिए कि 1 लाख रुपए रह गया है ना सर क्या, और 2014 में था और आज का डेट है। अब इन दोनों बीच के कैलकुलेशन निकालने के लिए तरीके तो बहुत है कि आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट और लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट और इसको डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, तो लमसम आपका 104 महीना आ जाता है। देखिए लमसम इसलिए है कि हर महीना 30 तो ही होता है। देखिए आपको एग्जैक्ट चाहिए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है EO month, सॉरी माफ कीजिएगा, डेटेड इफ, ये फॉर्मूला जो है एडिस फॉर्मूला है, लिस्ट में नहीं आएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा और लिखते ही नीचे आपको दिखेगा। डेटेड इफ फॉर्मूला में स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और यहाँ पे हमने कर दिया M, तो दोनों के बीच की जो कैलकुलेशन है वो मंथ में करके दे देगा 102 महीने, बट 20 महीना तो फ्री है ना सर, तो हमें इसमें से माइनस 20 कर देना है, तो ये क्या आ गया 82 आ गया। अब 82 महीनों को 1 लाख का 17% ईयरली से इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें सबसे पहले 17% को डिवाइड करके मंथली निकाल लेना है और फिर तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरह से आ गया सर रिजल्ट। ₹1,16,166 सिर्फ इंटरेस्ट हुआ, समझे। अब इसी चीज को आपको करनी है, जी हाँ ये सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है, हालांकि मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है आपके एक्सपीरियंस इसके लिए ढूंढने के लिए, कोई तरह से कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं कर पाए कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बाकी जो इसके फॉर्मूले बच गए हैं ये हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके सर।